महद बुखारी 18 अप्रैल 1983 को लाहौर में पैदा हुई। बाद अज़ा वो आला तालीम के लिए बैरून मुल्क चली गई। इसने अपनी तालीम कैनेडा की यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू से हासिल की। इनकी शादी एक सहाफी एंकर पर्सन और मेज़बान काशिफ अब्बासी से हुई। इन्होंने समा टीवी से अपने करियर का आगाज किया और कई सालों तक चैनल से वाबस्ता रही। ताहम कुछ नामालूम वजूहात की बिना पर इसे चैनल से निकाल दिया गया और दुनिया न्यूज ने मुंतखिब किया। इस वक्त वो डॉन न्यूज चैनल पर टॉक शो पर्सन के तौर पर काम कर रही हैं। महर अपने करियर में पेश आने वाले मुख्तलिफ मसाइल की वजह से हमेशा एक मुतनाज़ा सहाफ़ी रही हैं। पाकिस्तानी सियासत की गहरी तफहीम के साथ इसके शोज में मरकजी तवज्जो सियासत और सियासतदान हैं। 13 जून 2012 को इसने अपने साथी सहाफ़ी मुबशर लुकमान के साथ सबसे बड़े बिजनेस टाइकोन मलक रियाज का इंटरव्यू किया। एक इंटरव्यू में मलक रियाज ने इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के बेटे अरसलान इफ्तिखार पर करप्शन केस का इल्ज़ाम लगाया। बदकिस्मती से इनकी ऑफ एयर गुफ्तगू को नामालूम अफराद ने यूट्यूब पर लीक कर दिया। इस गुफ्तगू के मुताबिक पूरा प्रोग्राम पहले से तयशुदा था और मलक रियाज को फायदा पहुंचाने के लिए किया गया। महर बुखारी को सियासत के हवाले से गहराई से इलम है। वो अक्सर इमरान खान समेत मुतअद्दद काबिले ज़िक्र सियासतदानों के इंटरव्यूज करती हैं। महर लामहाला पाकिस्तान के इन काबिले ज़िक्र सहाफ़ियों में से एक हैं जो लोगों की तवज्जो हासिल करना जानते हैं।